पाकिस्तान के साइंस और टेक्नोलॉजी के मिनिस्टर ने मंगलवार को ट्वीट कर कहा कि पाकिस्तान भारत के लिए सभी एयर स्पेस बंद करने पर विचार कर रहा है। इससे पहले भी फरवरी के महीने में पाकिस्तान ने भारत के लिए अपने 11 में से 9 एयर स्पेस बंद कर दिए थे, जिसका भारत और पाकिस्तान दोनों को भारी नुकसान उठाना पड़ा था। भारत और पाकिस्तान के बीच तनाव की वजह से पाकिस्तान एक बार फिर अपने एयर स्पेस को भारत के लिए बंद करने का विचार कर रहा है। पाकिस्तान के साइंस और टेक्नोलॉजी के मिनिस्टर चौधरी फवाद हुसैन ने ट्वीट कर कहा कि पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान भारत के लिए सभी एयर स्पेस बंद करने के बारे में सोच रहे हैं। साथ ही भारत अफगानिस्तान के बीच कारोबार में इस्तेमाल होने वाले पाकिस्तान रूट को भी बंद करने का मन बना लिया है। हालांकि चौधरी फवाद हुसैन के ट्वीट पर उनके ही वरिष्ठ राजनयिक अब्दुल बासित ने कहा कि फैसला लेने से पहले ऐसी बातों को सार्वजनिक क्यों करना, यह खराब राजनीति और लापरवाह कूटनीति है। इस बीच पाकिस्तान ने कराची एयर स्पेस को 31 अगस्त तक के लिए पूरी तरह बंद कर दिया है। पाकिस्तान के सिविल एविएशन अथॉरिटी ने ट्वीट जारी कर कहा कि 28 अगस्त से 31 अगस्त तक कराची एयर स्पेस बंद रहेगा। सभी अंतर्राष्ट्रीय उड़ानों से कहा गया है कि कराची के 3 एयर स्पेस का इस्तेमाल करने से बचें। हालांकि ये एयर स्पेस क्यों बंद किए गए हैं, इसके बारे में नहीं बताया गया है। पाकिस्तान ने इससे पहले 26 फरवरी से 16 जुलाई तक अपने 11 में से 9 एयर स्पेस भारत के लिए बंद कर दिए थे, जिससे भारतीय विमान कंपनियों को हर दिन करोड़ों रुपए का नुकसान उठाना पड़ा था। हालांकि इस पाबंदी की वजह से पाकिस्तान को भी भारी नुकसान उठाना पड़ा था। एरिका ब्राक्टा, गो न्यूज़।